हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग नए ट्रेडर के, मेरे तरह ही मान लो, जो मैं भी इन्फ्लुएंस होके आया था और ट्रेडिंग करने के लिए। तो सपोज मैं अभी एक नया ट्रेडर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ मतलब अभी सीख रहा हूँ, सीख भी नहीं रहा हूँ। चलो मैंने बहुत सारे वीडियो देखा और इन्फ्लुएंस होके मैंने सोचा कि चलो अब ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग के लिए चाहिए क्या, कैपिटल। मैं तो कैपिटल है, सीखना नहीं सीखना ये बात का बात होता है, लोग सीखते नहीं है, पहले कैपिटल का जुगाड़ करते हैं। तो मुझे हुआ कि चलो भाई मुझे ट्रेडिंग करना और बिना सीखे पहले जुगाड़ करते हैं कैपिटल का। तो मैंने चलो कहीं से जुगाड़ कर लिया, क्योंकि अभी चलो मैं भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहीं से 10,000 पाँच से 10,000 जुगाड़ कर लिया। तो क्या 10,000 से कैपिटल, 10,000 का कैपिटल से आप ट्रेडिंग कर सकते हो क्या, उस कैपिटल से प्रॉफिटेबल बन सकते हो क्या, उस कैपिटल क्या वो 10,000 इनफ है ट्रेडिंग सीखने के लिए भी या ट्रेडिंग करने के लिए भी। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। और 10,000 के ऊपर कुछ जो मैं यूज़ कर रहा था 15,000 कैपिटल, क्या वो भी अच्छा कैपिटल है या नहीं है, वो सारे चीज़ पे बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं जैसे कि मैं एक नया हूँ, आ रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, सीखने नहीं ट्रेडिंग करने, लोग अभी सीखने नहीं आते हैं ट्रेडिंग करने आते हैं। तो मैं 10,000 जुगाड़ करके आया ट्रेडिंग करने और मैंने अपना अकाउंट खोल लिया। तो फिर अब हम लोग सबसे पहला होता है कि सबसे पहला दिन ट्रेड लेना। तो जो ट्रेड करते हैं या चलो आ गए ट्रेडिंग करने, वो इतना सीख के आते हैं कि OTM ATM ITM होता है, तो उसके पास 10,000 कैपिटल है, चलो 10,000 कैपिटल है, बट वहाँ पे 10,000 कैपिटल उसके पास है ही, वहाँ पे आपका जो OTM का है वो 200 प्लस का है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो चल रहा है 210 का। तो 10,000 में वो क्या एक भी लॉट निफ्टी 50 का ले पाएगा, नहीं। तो वो कहाँ फंसते हैं, फिर आ जाते हैं ATM में या फिर ITM में। तो वो फिर कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी के दिन, कम कैपिटल होने के बाद एक्सपायरी के दिन 0 to 0 करने। बट अभी जैसा मार्केट है, आपको लगता है कि 0 to 0 डेली होता है और जो न्यू आया इस मार्केट में उसे भी 0 to 0 करना चाहिए, नहीं तो उसी में फंसते हैं। और वो अपना पैसा एक लॉट में बाय चांस चलो OTM का 200 ही मान लो, एक लॉट वो ले लिया और वो भी चला गया, चलो लॉस में ही, बाय चांस प्रॉफिट में एक चला भी गया तो दूसरा लॉस में चला गया, फिर लॉस में चला गया, वो 2-3 ट्रेड से ज़्यादा ले पाएगा OTM में नहीं। तो भाई अगर आप नए हो और आ रहे हो ट्रेडिंग सीखने के लिए, भाई करने के लिए अभी मत आओ, सीखने आओ। और सीखने के लिए कम से कम 15,000 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 15,000 एक डिसेंट कैपिटल मान सकते हो सीखने के लिए। बट उसमें भी बहुत सारे इशू हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सपोज अगर आप 10,000 का एक लॉट आएगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से OTM में, तो वहाँ पे भी क्या होता है, अगर आप 10,000 आपके पास 5,000 उधर आपके पास बचा, तो एक लॉट में अगर चलो आपका 500 का रिस्क है एक दिन कि मैं आप लॉस कर सकते हो, एक लॉस हो गया तो आपके पास 14,500 बचा, तो दूसरा भी चलो 210। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 5 से 6 ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे देखा जाए तो 10,000 रुपये का चले तो कुछ आगे भी होता है पीछे भी होता है, ऐसे तो देखा जाए 10 ट्रेड आप ले सकते हो, वो भी लॉस अगर लगातार जाए तो। बट यहाँ हम लोग बात करते हैं ब्रोकरेज भी लगता है और अदर चार्जेस भी लगता है, वो भी आपका कटेगा हर ट्रेड पे, तो वो भी जोड़ के आप अगर लॉस में भी जाते हो 15,000 आपके पास है, तो 5-7-8 लॉस आप सह सकते हो और फिर भी आपका अमाउंट 10,000 तक ही रहेगा। अगर उतना लॉस करते हो आपका मतलब रिस्क है कि एक ट्रेड से आप मतलब एक रिस्क से एक ट्रेड से आप 500 ही लॉस करते हो, उतना रिस्क रखते हो। और हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये है कि आप ट्रेड पे बात कर रहे हैं सीखने के लिए, ट्रेड आप एक दिन में 10-20 ट्रेड भी लोग लेते हैं और सीखने आते हो 15,000 से, तो इसमें भी ये भी डिसिप्लिन फॉलो करो, अपना रूल बनाओ कि एक दिन में एक ही ट्रेड लूंगा, तभी आप 10 दिन तक चल सकते हो, या जस्ट सॉरी 10 दिन नहीं, मैंने जैसे 7 से 8 दिन चल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको सीखने को मिलेगा, इससे आप एक दिन में आप 5-10 ट्रेड लेके पैसा तो आप खत्म कर दोगे ATM में OTM में लेके, बट आप सीखने आए हो नया मेरे तरह। तो अभी तक मैंने जो जो फील किया बस ये बता रहा हूँ आपको, और अगर आप आते हो मार्केट में तो प्लीज़ ये सारी चीज़ को मतलब माइंड में रख लो कि कम कैपिटल के साथ आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, और सीखे
सीखोगे नहीं जितना उतना आपका माइंड खराब हो जाएगा। फिर मार्केट को आप बोलोगे कि मार्केट ही खराब होता है, यहाँ पे पैसा लूज करते हैं लोग, ये जुआ है, सट्टा, ये सब चीज आप बोलोगे। ये सब बोलने का रीजन ये है कि आप सही ढंग से आओगे नहीं, तो आप जो अगर आप पढ़ाई भी कोई चीज का करते हो उससे आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा। सेम इसी ये भी है, आप कहीं जाते हो पढ़ते भी, वहाँ कोचिंग में पैसा भी देते हो, तो वो सर आपको ढंग से पढ़ाता है, उस चीज को फॉलो करते हो तभी आपका रिजल्ट बनता है। तो अगर इस मार्केट में आए हो पैसा लेके, आप चलो ट्यूशन में भी चले गए, पैसा दे दिए अपने सर को और वहाँ पर पढ़ाई नहीं की और अपना टाइम वेस्ट कर दिए, जब जितना दिन का आपने ट्यूशन फी दिया था उतना दिन टाइम वेस्ट करके फिर एग्जाम देने गए, तो क्या हो गया, आपका रिजल्ट खराब हुआ। तो ऐसा ही आप पैसा लेके तो आओगे फालतू का, अगर कोई रूल फॉलो नहीं करोगे तो उसमें भी चले जाओगे। और 15,000 मेरे हिसाब से डिसेंट अमाउंट है सीखने के लिए, बट ये भी इसमें भी आओ तो ये रूल बना के आओ कि आपका रिस्क एक दिन का कितना रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट में आप कोई रूल फॉलो मत करो, अगर प्रॉफिट में आपका जा रहा है तो वो उस पर छोड़ दो, मार्केट आपको कितना देती है, बट लॉस आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट आप अगर आप 2,000 पे भी काट सकते हो, 1,500 भी काट सकते हो, 1,000 पे भी काट सकते हो, 3,000 जा रहा है, 5,000 जा रहा है, कुछ भी, अब वो आप पे डिपेंड है, वो मार्केट देखती है, बट लॉस जो है वो आपके हाथ में, 500 से ज्यादा मुझे जाने लगा तो मैं वहां पे कट दूं या स्टॉप लॉस लगा दूं, तभी आप मार्केट में देखो। कम कैपिटल के साथ में आपको ये भी सीखने का रूल भी सीखने को मिल रहा है जो बता रहा हूँ, और मार्केट में ज्यादा दिन टिकना तो ये सब चीज फॉलो करोगे तभी मार्केट में टिक पाओगे। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ अगर न्यू ट्रेडर हो, आयो मार्केट में, अगर आपको सच में कमाना है पैसा तो ये जो मैंने बताया इसे फॉलो करो, नहीं तो औरों की तरह हक दोगे, ये हक ना तो गलत लग रहा होगा बट हक दोगे। बहुत ही ज़्यादा मार्केट, जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा मार्केट आपसे तेज है। जो रूल के साथ आए उस रूल को फॉलो करो, या कहीं से देखो कि कौन सा वो जो प्रॉफिटेबल लोग हैं उसका रूल देखो कि वो कौन सा रूल यूज किए थे, उस रूल पे आओ तो आप मार्केट में टिक पाओगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर अब एक नए वीडियो में के साथ आएंगे। अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि कम कैपिटल के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं।